भाई तांडव को लेके जो एतराज हो रहा है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या और भी तबके के लोग हों, उस बारे में आपकी क्या राय, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो इस चीज़ को समझने के लिए बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन मुझे अंदर से कोई गट फीलिंग्स आ रही है, वो ये कि ये बहुत बड़ा कोई गेम है। जैसे इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि देश को भी इन्वॉल्व करो, राजनीतिक पार्टी को भी इन्वॉल्व करो, फला एक एनजीओ को भी ग्रुप करो, उसको भी करो। सपोज़ कोई महिला पर कोई फिल्म बन रही है तो महिला अभियान वाले उसके खिलाफत करने आ जाएंगे। खिलाफत करना जो है वो पब्लिसिटी स्टंट होता है, और आजकल पब्लिसिटी के लिए ये सब किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। 99% ये होगा, 1% ये भी हो सकती है कि तांडव वालों ने ये सोचकर किया होगा कि सरकार अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, संस्थाएँ और बाकी जो जिम्मेदार जो ग्रुप्स है अभी इसमें, जो लाइबिलिटीज है, जो जो एक्शन ले सकते हैं, वो अभी इस पर शामिल नहीं है, लेकिन हम जानबूझ के ऐसे ऐसे करतूत कर देंगे, इसमें जानबूझ के ऐसा ऐसा नाम ले लेंगे, ये चीज़ें डाल देंगे कि इस पर ऑब्जेक्शन होना ही होना है। पूरा बाकायदा बैठ के प्लानिंग होता है, और जब ऐसा प्लानिंग होगा तो हम पे केस आएगा, कुछ भी आएगा, वो सब सेकेंडरी है, लेकिन तब तक हम दुनिया में फेमस हो चुके होंगे। जैसे किसी कैसेट कंपनी ने एक बार किया था, बोले फला हिट फिल्म किसी और कंपनी की, उसका स्पूफ बना के अपने गाने किसी डुप्लीकेट से गवा कर एक रिलीज़ कर दिए, और उस कंपनी ने केस किया कि हमारा ओरिजिनल है। तो बोले कितना नुकसान हुआ आपका? बोले 2.5 करोड़ रुपए। तो बोले दे दिए हमको, कोर्ट ने, कोर्ट के सामने बोला कि मैंने आपको 2.5 करोड़ दे दिए क्योंकि मैंने इसे 25 करोड़ कमाया। तो आप ये कह रहे हैं जिस वक्त ये पूरा का पूरा तांडव की जब मैं बात कर रहा हूं, ये पहले से प्री प्लान था कि इस तरह की प्री प्लान इसमें तो कोई, इसमें क्योंकि जो जितने भी लोग काम करते हैं, जो गालियां देते हैं वेब सीरीज में, जो सेक्स परोसते हैं, नग्नता परोसते हैं, जो भूड़ हरकत करते हैं, जो डार्कनेस दिखाते हैं, क्रूरनेस दिखाते हैं, ये घर में अनाज ही खाते हैं, ये कोई सुअर का गोश्त नहीं खाते, ठीक है? तो ये बदतमीज़ लोगों को कोई सब पता होता है, सब सारी चीज़ें, ईच एंड एवरी यूट्यूबर्स पता होता है इन लोगों को कि मैं गाली दे रहा हूँ तो ही मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे बड़ी बड़ी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं गालियाँ बख रहा हूँ, नंगापन कर रहा हूँ, देवी देवताओं पर बोल रहा हूँ, फला धर्म पर बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ हिंदू धर्म हमारे लिए पवित्र है, लेकिन बाकी सारे धर्म भी हमारे लिए पूजनीय है। हिंदुस्तान में किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी भाषा का, किसी भी व्यक्ति विशेष का अपमान ये अलाउड नहीं है, इसका कोई सवाल। ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने भी नोटिस जारी कर दिया है अमेज़न के खिलाफ, मेकर्स के खिलाफ, अली अब्बास जफर के खिलाफ, और आपका मानना ही है कि पब्लिसिटी स्टंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतना सब कुछ करने के बाद ये इनके ऊपर बैकफायर कर दिया? और जहां ब्रॉडकास्ट ना, देखिए बैकफायर तो इसलिए नहीं करे, नहीं है ये, क्योंकि मैंने कहा ना अनाज खाते हैं। अगर मैं आपको गाली दे रहा हूँ तो बदले में आप मुझे कुछ ना कुछ बोलोगे, यहाँ नहीं बोलोगे तो पीछे बोलोगे कुछ, मतलब उसका रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। ये बताएंगे कल को तुम्हारा दोस्त यार तुम्हारे गाली दी थी और पीछे उस तुमने सामने तो दार गाली नहीं लेकिन पीछे तुमको 100 गाली दे दी उसने, ठीक है? तो ये जितने भी जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये ट्वीट करके एक्टिविस्ट बन जाते हैं, एक्टिविट बन जाते हैं। तो इनका रोज़ का गेम है, गाना गाते आओ ट्वीट करें बन जाए बुद्धिजीवी, हो आओ ट्वीट करें, देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके उल्टा बोलो तो आपका नाम होता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए तो सम्मान मिलेगा, और अगर गंदे पड़ोगे तो लोग आपको देख बोलेंगे कैसा 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 कैसा, तो वो उन लोगों को लगता है कि अच्छे कपड़े तो सभी पहनते हैं, पूरे कपड़े तो सभी पहनते हैं, आओ नंगा घूमते हैं तो लोग बोले अरे वाह 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 ये देखो कैसा कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, जो गालिब साहब ने पहले कह दिया था। तो ये इनको सबको पता था, ये जो डायरेक्टर का नाम होता है अली अब्बास और जितने भी जो एक्टर हैं सैफ अली खान, ये कोई आज के पैदा हुए हैं क्या? इनकी ज़िंदगी गई फिल्म लाइन में, इनको सब पता होता है कि किस लाइन पर क्या बोलने से क्या होता है, सब मालूम होता है इनको, लेकिन वो लालच नहीं छोड़ पाते। अरे यार हम गाली दें, अब सैफ अली खान भी गाली दे रहा है। अब आप मुझे बताइए, एक अनपढ़ जाहिल आदमी मोहल्ले में गाली देता तो लोग उसको बोलते साला पागल हो गया, समाज में रहने लायक नहीं है, ठीक है? इन लोगों को इतना पैसा इनके पास में, इतनी इज्जत इनके पास में, इसका सब कुछ इनके पास में, फिर भी साले पागल हो चुके पैसा कमाने के लिए, शोहरत के लिए, कि खुद भी गालियाँ खा रहे
बीवियों को भी किसी फंक्शन में भेजते, वहाँ भी गाली रोस्ट हो रही है, फला वो जगह वहाँ भी रोस्टिंग चल रही है, फला जगह चल रही है, अनिल कपूर गालियाँ दे रहा है, मनोज वाजपेयी गालियाँ दे रहा है, पंकज त्रिपाठी गाली दे रहा है, अहलावत गालियाँ दे रहा है, क्या है ये? पैसा कमाने के लिए तुम इतना गिर चुके हो और फिर तुम्हें तारीफ करते, तुम तो ये एक्सपेक्ट करते हो कि लोग तुम्हारी एक्टिंग की तारीफ करें, लोग तो तुम्हें इसी चक्कर में देख रहे हैं कि देखो किस कितना नंगापन किया, कितना नंगा हो गया ये। आप भी कोई फिल्म लेके आ रहे हैं, लॉकडाउन ने बड़ा असर किया है पूरी दुनिया में, खास करके मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूँ, सिनेमा घरों की जो हालत है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो हालत है जी, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और एक कहीं कहीं ना कहीं सुन रहे मुझे लगता है कि एक सबक भी है, खास करके सिनेमा घर के लोगों को जो जल्दी छोटे प्रोड्यूसरों की फिल्म, नहीं बिल्कुल सही बात, क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बहुत आताताई की, एक देखते जो डॉन माफिया हो गया था ये, चलिए फिल्म इंडस्ट्री एक सम अंडरग्राउंड पीपल के हाथ में आ गई थी, अंडरग्राउंड मतलब यही सब जितने जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनके हाथ में आ गए थे, तो उन्होंने इतने भाव बढ़ा दिए थे थिएटर के, फला के, इसके उसके, कि गरीब आदमी को, छोटे आदमी को पनपने का मौका ही नहीं है, थिएटर में सिनेमा ही नहीं मिल रहा था, हम लोग को 3 फिल्में रिलीज़ की, मुझे सिनेमा ही एक इक्के दुक्के मिले, उसमें भी कौन सा टाइम का मिला कुछ पता ही नहीं, कुछ आया ही नहीं कोई, तो ये ऐसे परम नहीं देते नहीं। और अभी OTT पे इन्होंने धाबा बोल दिया, OTT पे क्या कि बड़े बड़े चेहरे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, अरे भाई तुमको क्या मजबूरी है, एक मजबूरी तो बताओ, एक तवायफ नाच रही है उसकी मजबूरी है, तुम क्यों नंगापन कर रहे हो भाई, तुम्हारी क्या मजबूरी है, तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम है? अच्छा उसमें भी कोई फ्लॉप एक्टर कर रहा है समझ में आता है, उसका काम ही नहीं चल रहा बेचारे का, तू साला टॉप का स्टार, तुझे हज़ारों काम तेरे पास में ऑलरेडी है, लेकिन तेरे से वो पेमेंट का लालच नहीं छूट रहा है, ये अगर यहाँ मुझे 1 करोड़ मिल रहा है, वहाँ 10 करोड़ मिल रहा है, लेकिन यहाँ 50 करोड़ मिल रहा है, चार गाली दे दूँ, तो ये सब जो है ना हरामी पर नंगापन आ गया, सबको सब पता होता है कि इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन होगा, सनी लियोनी को भी पता था कि मैं ऐसा करूँगी तो मैं हिट हो जाऊँगी, भला करूँगी, मतलब हिट इन दिस हेट टू, इन पहले ज़माने में हिट था, अभी हेट वाला मामला हो गया, अब जिसको जो हिट करेगा वो हिट है, हेट।